हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। आईपीयू के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो स्टूडेंट आईपीयू में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अभी रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं इसका मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। अभी जो कैंडिडेट आईपीयू में अप्लाई करना चाहते हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि वो रजिस्ट्रेशन 27 मार्च के बाद करें, क्योंकि MBBS, BDS, BMS, BHMS में एडमिशन नीट स्कोर पर होता है और जब हम अभी फॉर्म फिल करेंगे तो नीट रोल नंबर की आवश्यकता होती है और वो एडमिट कार्ड 27 मार्च को आने के बाद अवेलेबल हो पाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर दिया है और नीट रोल नंबर की जगह कुछ गलत फिल कर दिया है तो उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आईपीयू द्वारा 1 अप्रैल से 3 अप्रैल 2020 के बीच करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी तो उस समय आप करेक्ट कर लें। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपने ऑनलाइन फिल करना है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले ipu.ac.in की वेबसाइट ओपन करनी है। इसमें नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई है, इसको आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद में चेक बटन पर चेक करके स्टार्ट पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे ये इम्पोर्टेंट नोट लिखे हुए हैं, इसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल लिखी हुई है। रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपको प्रोग्राम पर जो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है और इसमें नन सीईटी यूजी पर क्लिक करना है। इसमें आपके एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस और बीएचएमएस कोर्स आते हैं तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आगे आपसे प्रोग्राम नेम पूछा जाएगा, तो इसमें एमबीबीएस, बीडीएस या फिर जो भी आपको बीएमएस या बीएचएमएस में रजिस्ट्रेशन करना है उस पर आप क्लिक कर दें। मैं आपको यहां बता दूं कि अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको अलग अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा, अलग से फीस डिपॉजिट करनी होगी। जैसे आप एमबीबीएस का भी अलग से करेंगे, बीडीएस का करना चाहते हैं तो भी वो अलग से करना, यानी कि सभी के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। इसके बाद में आपने आगे सीईटी कोड ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसके बाद में फुल नेम लिखना है और फुल नेम लिखने के बाद में आपने आगे इसमें मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, वो कन्फर्म में भी दोबारा लिखना है, कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे इस प्रकार की आपकी डिटेल जो आपने फिल की है वो आ जाएगी। ये डिटेल आने के बाद में आपके ईमेल पर यूज़र आईडी और पासवर्ड चला जाएगा, तो वहाँ से आपने ये नोट कर लेना है यूज़र आईडी और पासवर्ड। और कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आपने लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो इस प्रकार की डिटेल आएगी। ये ऊपर राइट साइड में लॉगआउट और क्लिक हेयर टू एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। मैं आपको बता दूं कि किसी किसी मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं आता है तो आपको कंप्यूटर या लैपटॉप से फिल करना है ये फॉर्म। यहाँ राइट साइड में ऊपर ही ऊपर लिखा होगा क्लिक हेयर टू एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का नोट आएगा जिसमें लिखा है कि ये फॉर्म आपको 4 पार्ट में फिल करना है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी डिटेल्स भरनी है, पर्सनल डिटेल्स भरनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है, उसके बाद में डिक्लेरेशन फिल करना है। इसमें इसको आपने क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में इस प्रकार की डिटेल आ जाएगी, ये एप्लीकेशन नंबर वगैरह ये लिखा आ जाएगा अपने आप। इसके बाद में इसमें 4 एग्जाम सेंटर कोड पूछे गए हैं, ये आपने फिल कर देना है। वैसे ये एग्जाम लगती नहीं है, नीट स्कोर पर एडमिशन होता है, लेकिन बगैर फिल किए ये फॉर्म आगे सबमिट नहीं होगा, इसलिए आपने ये 4 एग्जाम सेंटर जो इसमें दिखाए जाते हैं ड्रॉप डाउन में वो आपने फिल कर देना है इसमें। इसके बाद में जेंडर कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद में आपने, अगर आप आर्मी से हैं तो यहाँ यस करना है, अगर डिफेंस से हैं, डिफेंस बैकग्राउंड से, तो यस करना है। अगर आप इसमें दिल्ली एनसीआर से हैं तो इसमें दिल्ली एनसीआर करना है ड्रॉप डाउन में, या आउटसाइड दिल्ली से आपने अगर 12th और 11th पास कर रखा है तो इसमें ड्रॉप डाउन में वो सेलेक्ट करके, अगर कश्मीर के रहने वाले हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो करके सेव एंड नेक्स्ट पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ये आगे पर्सनल डिटेल में चला जाता है। पर्सनल डिटेल यहाँ आपने फिल करनी है,
पर्सनल डिटेल में फादर नेम, मदर नेम, इस प्रकार से ये डिटेल फिल करने के बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है। इसके बाद में प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस पर क्लिक करना है, अदरवाइज नो पर क्लिक करना है। परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर हर स्टेप में क्लिक करते जाएंगे, यहाँ डाटा सेव्ड सक्सेसफुली लिखा आता जाएगा, आपने ओके कर देना है। इसके बाद में आप तीसरी डिटेल्स यानी क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आ जाएंगे। वहाँ पर आपको सबसे पहले टेंथ की डिटेल लिखनी है, टेंथ में बोर्ड का नाम लिखना है, इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, स्कोर लिखना है, कौन से ईयर में आपने पास किया है, सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट आ जाते हैं टेंथ में। तो इस प्रकार की डिटेल देने के बाद में आपने ट्वेल्थ की डिटेल भरनी है। ट्वेल्थ की डिटेल में आपने ये इसमें भरना है, आप इसमें स्टेटस भरना है कि आप अपेयरिंग हैं या फिर पास्ट कर लिया आपने ट्वेल्थ, इस प्रकार से। फिर बोर्ड का नाम देना है और सब्जेक्ट देना है पीसीबी, जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो पीसीबी। इसके बाद में पासिंग ईयर लिखना है और इसमें परसेंटेज लिखना है आपने। इसके बाद में नीट की डिटेल भरनी है, नीट का रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर भरना है। ये फिर से बता देता हूँ कि 27 मार्च को एडमिट कार्ड आएंगे, तब आपके रोल नंबर अवेलेबल होंगे नीट के, तब आप इसको फिल करें तो अच्छा है। इसमें बिना रोल नंबर के आगे प्रोसीड नहीं होता है। इसके बाद में इसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल आपने फिल करनी है, इसमें यस और नो। असेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि आपने जो 10+2 पास कर रखी है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश में आपने इंडिविजुअली पास होना है। इसके अलावा पीसीबी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अगर जनरल कैटेगरी से है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो 50% मार्क्स होना चाहिए, इसके अलावा 40% मार्क्स होना चाहिए। ये इसमें आगे क्लिक करके यस पर क्लिक करके चेक पर क्लिक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आप थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लेंगे। और फोर्थ स्टेप में ये दिखा रहा है कि आपकी इसकी एप्लीकेशन फीस 1200 रुपये होगी। इसमें आपको अभी फोटो अपलोड करनी है और साइन अपलोड करनी है। यहाँ क्लिक हेयर टू अपलोड पर क्लिक करना है। फोटो और साइन अपलोड करने के बाद में आपने कैप्चा कोड भरना है और कैप्चा कोड भर के सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये ऑटोमेटिक ही पेमेंट मोड पर पहुंच जाएगा। यहाँ से आपने पेमेंट कर देना है। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ये यहाँ आपको 1200 रुपये पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, मैक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू आ जाएगा, वो आपने प्रिंट लेके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना है। ये जानकारी थी IPU के MBBS, BDS, BMS, BHMS का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस के बारे में। IPU द्वारा मेडिकल के इन कोर्सेज के अलावा बाकी मेडिकल कोर्स भी करवाए जाते हैं। ये कोर्स हैं BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक। इसके अलावा 5 प्रकार के पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं, जैसे BPT, BPO, BOT, BSc MLT, BASLP इत्यादि। BSc नर्सिंग के लिए ओनली अनमेरिड गर्ल कैंडिडेट इलिजिबल हैं। इन कोर्सेज के लिए IPU द्वारा अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिसे CET कहा जाता है। इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या रहेगा, सीट मैट्रिक्स क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और इसमें एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा मैं। तो ये जानकारी थी IPU के बारे में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।